नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा कर्मचारियों द्वारा छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा दो सूत्रीय मांग महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता सातवें वेतनमान के अनुरूप को लेकर समर्थन प्रदान करते हुए 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी गई, जिसके फलस्वरूप आंदोलन के 11वें दिन समस्त कर्मचारी नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा कार्यालय परिसर के बाहर पंडाल लगाकर लामबंद होकर एकत्र होकर नारेबाजी की। तत्पश्चात वरिष्ठ कर्मचारी मान सिंह पटेल व साथियों द्वारा रामचरित मानस का पाठ किया गया और शासन को अपनी मांग से अवगत कराया गया। अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम भिलाई चरोदा के कर्मचारी लगातार निगम के सामने हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं इन आंदोलनरत कर्मचारियों को समर्थन देने भाजपा के मंडल अध्यक्ष दिलीप पटेल के नेतृत्व में भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उपस्थिति दर्ज कराई और इनके पक्ष में शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की और आवाज़ भी बुलंद की। इसे लेकर मंडल अध्यक्ष दिलीप पटेल, वरिष्ठ पार्षद फिरोज फारूकी और निगम की पूर्व महापौर चंद्रकांता मांडले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज भारतीय जनता पार्टी चरोदा मंडल के समस्त पदाधिकारीगण और पार्षदगण यहाँ पे कर्मचारियों के धरने स्थल को हमने समर्थन देने के लिए आए हैं। उनका मांग, उनका हक है, उनकी जायज हक है। जायज हक को, मांग को पूरा नहीं करना ये प्रदेश सरकार की नाकामी है। अन्य प्रदेश में जो डीए बढ़ा हुआ डीए को दे रहे हैं, मगर हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ऐसी सरकार है जो सिर्फ कहती है, करती नहीं है। जो इसके पूर्व में इसने अपने घोषणा पत्र में कर्मचारी हित की बात की थी, किसानों के हित की बात की थी, मगर आज हमें धरातल पर इसे कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार का हम इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कर्मचारियों के हित में काम करें, कर्मचारी विरोधी कार्य न करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरा एक संपन्न प्रदेश है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कर्मचारियों को उनका डीए नहीं देना, महंगाई भत्ता नहीं देना, ये बड़ा सोचने का विषय है। उसके बाद इसके बावजूद भी पूरे प्रदेश कर्ज में डूबी हुई, ये हमारा समस्या परे है। ये आज इसके पूर्व में सरकार रही है, कभी कर्मचारी वेतन के लिए भटकते नजर नहीं आए हैं, उनसे 1 से 10 के बीच में वेतन मिल जाता था। वर्तमान में भी ऐसी स्थिति होगी छत्तीसगढ़ की कि यहाँ के जितने भी कर्मचारियों को भी समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। 1-1 महीने का वेतन, 2-2 महीने का वेतन रुकने के बाद तीसरे महीने का देते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। हम यहाँ से इस पंडाल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि उनके बढ़ा हुआ डीए उनको लागू की जाए, उनको दी जाए। परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का क्या है? भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी यूनियन के साथ में है, जैसा कर्मचारी यूनियन को करेगी हम उनके साथ में बिल्कुल साथ देंगे। कर्मचारी यूनियन द्वारा लगातार मई माह से मांग चली आ रही कि हमारा डीएवी केंद्र के समान बढ़ाया जाए, लेकिन प्रदेश सरकार के कान में जू तक नहीं रही कि अपन इनका डीए बढ़ाएं। बाकी भारत के अन्य राज्यों में देखेंगे आप 34%, 32%, 33% नीचे कहीं नहीं है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा है जहां डीए बढ़ाने की मांग को लेकर आज हड़ताल में बैठे धरना प्रदर्शन में, आज नौवां दिन है इनका। उस बाद भी सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, न पूछ परख कर रही है, और उनका इनके हक, अपने हक की मांग कर रहे हैं। ये कोई गिफ्ट नहीं मांग रहे हैं, जो जात दियो जो बढ़ना चाहिए वो मांग कर रहे हैं, और सरकार इसके लिए पीछे हट जा रही है। ये तो सरकार की उसी मानसिकता जो कर्मचारियों की भावनाओं को न समझकर अपने अठन बैठी है सरकार, और हम हमेशा इनके साथ हैं, कर्मचारी के साथ रहेंगे जब तक इनकी मांग नहीं पूरी होती। जब तक कर्मचारी हड़ताल में अधिन से, जब तक उनके साथ में पूरा पार्षद दल के साथ में रहेगा, इनके बिल्कुल हमारा सहयोग इनको निरंतर मिलता रहेगा। देखिए आज यहाँ कर्मचारी हड़ताल में है, पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के कर्मचारी आज हड़ताल में है, और ये सारे कर्मचारी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। बहरहाल नगर निगम भिलाई चरोदा के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं निगम का कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते निगम के कई कार्य लंबित पड़े हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेन खरे की रिपोर्ट।